सलमान खान की हेल्थ को लेकर परेशान है जैकलीन फर्नांडिस। सुपरस्टार खान को दी है ये सलाह। सलमान खान बॉलीवुड के सबसे बिजी स्टार्स में से एक हैं। वो अपनी फिल्म को लेकर तो बिजी हैं ही, साथ ही रियलिटी शो बिग बॉस का पीरियड बढ़ जाने के चलते भी सलमान के पास बिल्कुल भी फुर्सत नहीं है। इसके अलावा कई अवार्ड्स फंक्शन में भी वो शिरकत करते हैं। हाल ही में आईफा अवार्ड से जुड़ी हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में जैकलीन फर्नांडिस के साथ वो नजर आए थे। सलमान ने ऐलान किया था कि इस बार ये अवार्ड्स उनके होम टाउन इंदौर में होंगे और सलमान इन अवार्ड शो को होस्ट भी करेंगे। सलमान के इतने एक्टिव होने पर जैकलीन का रिएक्शन भी सामने आया है। जैकलीन ने सलमान के बारे में बात करते हुए कहा, मैं उनके साथ काफी करीबी तौर पर काम कर चुकी हूं और मैं जानती हूं कि उन्हें सोने के लिए बिल्कुल समय नहीं मिलता। वो सुबह, दोपहर और रात हर समय काम में बिजी हैं। वो या तो फ्लाइट में होते हैं या फिर बिग बॉस के सेट पर शूटिंग के लिए जा रहे होते हैं या फिर कोई गाना शूट कर रहे होते हैं। वो हमेशा काम करते रहते हैं। जैकलीन ने उन्हें सलाह दी कि सलमान को आराम करने के लिए समय निकालना चाहिए। बात करें आईफा अवार्ड्स की तो ये अवार्ड सेरेमनी पिछले कुछ सालों में न्यूयॉर्क, सिंगापुर, मैड्रिड जैसे कई इंटरनेशनल शहरों में आयोजित की जा चुकी है, लेकिन इस बार इसका अंदाज देसी होगा। आईफा अवार्ड्स 2020 का आयोजन 27 से 29 मार्च तक होगा और इस इवेंट का हिस्सा 21 मार्च को भोपाल में होगा और बाकी का इवेंट इंदौर में होगा। ये पहली बार होगा जब सलमान खान इस सेरेमनी को होस्ट करेंगे। अवार्ड्स नाइट पर कटरीना कैफ और जैकलीन फर्नांडिस जैसे स्टार्स परफॉर्म भी करेंगे। ये अवार्ड्स इवेंट्स फिल्म इंडस्ट्री के 5,000 से ज्यादा लोगों के द्वारा अटेंड किया जाएगा, जिसमें 400 से ज्यादा फिल्म आर्टिस्ट भी शामिल होंगे। इस इवेंट के लिए नेहरू स्टेडियम का वेन्यू फाइनल हो सकता है और इवेंट मैनेजमेंट कंपनी विस्क्राफ्ट ने इसके अलावा होलकर स्टेडियम और डेली कॉलेज जैसी लोकेशंस की भी जांच पड़ताल की है। वर्क फ्रंट की बात करें तो जैकलीन ने कुछ ही समय पहले अपनी फिल्म अटैक की भी अनाउंसमेंट की है। इस एक्शन थ्रिलर फिल्म में वो जॉन अब्राहम के साथ काम कर रही है और इसके अलावा फिल्म में रकुल प्रीत सिंह भी नजर आएंगी।